ज मी ने टूडे इन दिस वीडियो वील नो द समरी ऑफ द पोयम आ फोटोग्राफ बाय श्रे टूल शी वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड जर्नलिस्ट अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें सो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड इस पोएम में शिरले टुल्सन ने अपनी मदर की एक पिक्चर को डिस्क्राइब किया है जब उनकी मदर अपनी कजन्स के साथ बीच पर हॉलीडे इन्जॉय करने गई थी अब देखो हम अपने नॉर्मल लाइफ में कोई भी पिक्चर देखें तो हम हमेशा अपनी पिक्चर नहीं देखते हम सब देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं हम कैसे गए थे हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं हम किसके साथ थे तो यूजुअली भी हम ये सब काम करते हैं लाइक वाइज जो शिलेट वुल्सन है वो इस पोएम के थ्रू अपनी मॉम की पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं हमें और वो हमें समझना है आई होप ये ओवरव्यू के थ्रू आपको थोड़ा सा जो स्पेकुलेशन है इस पोएम का हो गया होगा सो लेट्स को द कार्ड बोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज अब देखो ये जो कार्डबोर्ड है अब द वॉज ओल्ड टाइम वहाँ ग्लास फ्रेम और प्लास्टिक फ्रेम नहीं हुआ करती थी अभी हैं बट पहले नहीं हुआ करती थी पहले वुडन फ्रेम लकड़ी की फ्रेम होती थी तो जो शुलट वुल्सन पोइट हमारी जो पिक्चर देख रही हैं वो वुडन फ्रेम में लगी हुई है इसीलिए वो पिक्चर या फोटोग्राफ नहीं बोल रही हैं कार्डबोर्ड बोल रहे हैं राइट So, वो रही है कि कार्डबोर्ड मुझे ये बताता है वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग अब जो उनकी मॉम है वो अपनी कजेंस के साथ एज टोल्ड यू दैट बीच पर गई थी अब पैडलिंग क्या होता है जब भी हम बीच पर जाते हैं तो बैर घूमते हैं वहाँ वहाँ पानी का मजा लेते हैं राइट अपने फीट वहाँ वेट करते हैं उस पानी में बहुत मजे आते हैं उसे हम पेडलिंग बोलते हैं So, जब वो उस पिक्चर को देख रही हैं तो कह रही हैं कि उस पिक्चर में टू गर्ल कजन पैडलिंग कर रही हैं। होल्डिंग वन ऑफ मदर्स हैंड एंड शी बिग गर्ल अब देखो शी कौन है पोइट की मदर तो उनकी जो मदर है वो सबसे बड़ी है दैट्स बाय जो उनकी जो टू कज़न्स हैं वो उनका हैंड होल्ड किए हुए हैं राइट right, कोई भी बड़ा इंसान होता है तो जैसे हम अपनी मम्मी का हैंड होल्ड करते हैं कहीं भी जाए लाइक वाइज उनकी कजन है मॉम के जो कजन है वो उनका हैंड होल्ड किए हुए हैं और जो उनकी मदर है, वो कितनी है ट्वेल्व इयर्स ओल्ड है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देर है सो जो तीनों लड़कियां हैं ऑल थ्री गर्ल्स खड़ी हुई हैं स्माइल कर रही हैं एंड जो उनके हेयर हैं वो उनके फेस पर आ रहे हैं इट माइट बी अ विंडी डे विंड वाज ब्लोइंग दैट्स जो हेयर है वो उनके फेस पर आ रहे हैं अब ऐसा क्यों खड़ी हुई है बिकॉज एट द अंकल विद द कैमरा अब वो तीनों इसलिए स्टिल स्टेबल खड़ी है क्योंकि जो अंकल हैं वो उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज व So, उनकी जो माँ है उनका फेस स्वीट था अब छोटे बच्चों का फेस तो स्वीट होता है अब उनकी जो मॉम है वो ट्वेल्व ईयर होल्ड है राइट? Right? और ये पिक्चर कब की है? वो कब गई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था एंड द सी विच अपियस टू हैव चेंज लेस अब देखो वॉज टेरिबली ट्रांजियंट स्वीट यहाँ आपको टू थिंग्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट पोइट कह रही है हमारी कि जो सी है वो कभी चेंज नहीं होती है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है थोड़ा बहुत आता है सी तो मिलियंस मिलियंस यर्स चलती रहती right? है एट ओशन है पूरी आ, जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी बट जो सी है ओशन है वो नहीं जाते उनमें लिटिल चेंज हमें दिख, दिखाई देता है लेकिन एक वास्ट चेंज नहीं हम कभी देखते हैं तो वॉज दैट टेरिबली ट्रांजियन फीड और जो ट्रांजियन क्या होता है शॉर्ट टर्म टेम्परेरी जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे तो जैसे वो पेडलिंग कर रही हैं तो डेफिनेटली जो वाटर है उनके फीट को वॉश कर रहा है फाइन एक तो ये लाइन हुई दूसरी ये बात कर रहे हैं कि जो इंसान के जो फीट होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं देखो टू ईयर ओल्ड बेबी के कुछ और फीट होंगे हमारे कुछ और हैं हमारे पेरेंट्स के कुछ और हैं और हमारी ग्रहणी के कुछ और होंगे तो एक तो वो बता रहे हैं कि ये चेंज होता रहता है ये कंपेरिजन है कि सी में चेंज नहीं आता है ओके okay? सी में आप आज भी देखोगे आप बूढ़े हो जाओगे तभी भी सी ओशन हमेशा सेम रहते हैं बट इंसान है इंसान तो चेंज का चेंज का सेकेंड नेम क्या है ह्यूमन ओके ह्यूमन हर स्टेज पर चेंज होते हैं और ह्यूमन खुद भी टेम्परेरी नहीं है राइट right? कौन टेम्परेरी है टेम्परेरी सॉरी ह्यूमन खुद भी परमानेंट नहीं है राइट right? ह्यूमन तो टेम्परेरी है आज है कल नहीं है आज बेस्ट्रॉय होगी तो सबसे पहले ह्यूमन ही जाएंगे समझ आ रहा है तो वो फर्स्ट क्या कह रही हैं कि चलो जो फीट है उन्हें वॉश कर रहे हैं सेकेंड इन दोनों में कंपेरिजन हो रही है कि सी जो है वो चेंज नहीं होती और जो ह्यूमन बींग है वो परमानेंट नहीं है टेम्परेरी है सडन चेंज आते हैं उनमें राइट हर स्टेज पर चेंज आते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं है तो टू थिंग्स हो राइट लेटर वेट थर्टी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ओके सम okay. 20 थर्टी ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट अब देखो जो उनकी मॉम है वो ट्वेंटी थर्टी ईयर्स आफ्टर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स वो इस पिक्चर को देख रही है एंड उस पिक्चर को देखकर हंस रही है शी बैटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस डॉर द बीच वो कहते हैं कि बैटी को देखो डॉली को देखो राइट right. क्योंकि अब हम बोलते हैं अगर वो अपने बच्चों को फोटो दिखा रहे हैं जो पोइट की मॉम है वो श्रिल्ल टुल्सन को फोटो दिखा रहे हैं कह रहे हैं कि देखो बैटी को देखो डॉली को देखो राइट right. हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच के लिए कैसे कपड़े पहनाए हैं डे का मीनिंग है पोइट की मदर के पेरेंट्स द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट मैन इज हर लाफ्टर अब यहाँ से हमें बहुत कुछ पता पड़ेगा राइट right? बहुत ध्यान समझो अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी मॉम का मेरी मदर का जो पास्ट है वो है सी हॉलीडे क्योंकि आफ्टर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स वो इस पिक्चर को देख रहे हैं एंड मेरा पास्ट क्या है उनका लाफ्टर उनकी हसी उनकी खुशी मेरा पास्ट है वॉट डज इट मीन देखो ये पास क्यों है क्योंकि अब वो निकल गया लाफ्टर क्यों है भी निकल गया इट मीन मदर इज नो मोर हर मदर पास भी, भी इंसान अभी जी रहा है तो हम तो उसे कभी भी हंसते हुए देख सकते हैं ना कब नहीं देख पाते कि जब वो पास अभी हो जाए राइट एक्सपायर हो जाए तो उनकी जो मॉम है वो पास अवे हो गई है तो शी इज नो मोर बोथ ब्राइव विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस लेबर मीन्स स्ट्रगल टफ कठोर आपने लेबर पेन सुना है कितना टफ होता है ईज इज मीन्स इजी तो जो दोनों अपने पास को बहुत स्ट्रगल के साथ भुला पाई हैं. देखो उनके जो मॉम है वो उसी हॉलीडे की लॉस को भुला पाई हैं कि चलो पहले जाते थे अब नहीं जा सकते राइट कजन्स भी अलग हम भी अलग एंड जो पोइट है पोएट herself, उनके लाफ्टर को नहीं भुला पा रही थी क्योंकि अपनी मॉम के लाफ्टर को उनको भुलाना दट्स नॉट तो उनके लाफ्टर को भुलाना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ था फिर भी उन्होंने उसे के साथ आराम से क्योंकि अब हमें आगे तो बढ़ना होता है राइट right? किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुक पाती तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल के साथ उस लॉस को फिल किया ना शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनीय एज डेड गर्ल यहाँ से भी जो नहीं दिया है वो हमें समझना है वी लेव टू रीड बिटवीन द लाइन्स ओके वो कह रही है पोएट दैट उनको मरे हुए उतने साल हो गए हैं जितनी वो लड़की थी अब लड़की का मीनिंग उनकी माँ उनकी माँ कितनी ईयर ओल्ड थी हमने पढ़ा था शी द बिग गर्ल समल्व ईयर ओल्ड ओके उनकी मॉम उस पिक्चर में ट्वेल्व ईयर ओल्ड थी सो so, कितने साल हो गए मरे हुए 12 year old, 12 years हो गए हैं। तो उस पिक्चर में वो 12 साल की थी और उतने ही साल उन्हें मरे हुए हो गए हैं उनकी माँ को जाए हुए 12 ईयर्स हो गए हैं ओके डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं इसे ध्यान रखना है एंड ऑफ दिस सर्कम स्टांस देर इज नथिंग टू से और इन सर्कन्स्टांसेस में मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है अब मेरे पास सिर्फ साइलेंस है मैं स्पीच लेस हूँ और उस साइलेंस में भी बहुत साइलेंस है उस शांति में भी इतनी शांति है कि कुछ मत पूछो राइट वो स्पीच लेस है शी इज़ फुल ऑफ सैडनेस एंड इसी पॉइंट पर हमारी ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है आई थिंक आई हैव नेवर रीड दिस काइंड ऑफ पोएम बिफोर इन माई लाइफ आई मीन मुझे ऐसा तो लग रहा है कि बहुत इमोशनल स्टोरी है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ टू इमोशनल स्टोरी आई एवर रीड आई होप कि आपको भी स्टोरी बहुत ये पोएम बहुत पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज अभी हमें इस स्टोरी के पोएटिक डिवाइस लर्न करनी है लेट्स गो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिट्रेशन की किसकी एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है जब वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं और क्लोजली प्लेस होते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल स्टोर्ड स्टिल टू स्माइल या तो बहुत पास में हो या अगर उनके बीच में एक दो वर्ड्स भी आ रहे हैं फिर भी वो एलिट्रेशन का एक पार्ट होते हैं सो स्टोर्ड स्टिल टू स्माइल यहाँ जो वर्ड्स की जो बिगिनिंग है वो सेम लेटर से हुई है एस 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 ओके दैट ट्रांजियन फीट सी टी टी ये भी एलिट्रेशन सो थ्री हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं ओके okay? अब देखो टेरीवली ट्रांजियन वॉस्ट दैट टेरीवली ट्रांसियन फीट ये भी सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट Okay. जब हम किसी नाउन को एक एडजेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है देखो ये जो फीट है, है, वो और बताया था मैंने आपको चेंज ओके okay? शॉर्ट टर्म टेम्परेरी ये क्या है एडजेक्टिव है और ये फीट को एक्सप्लेन कर रहा है दैट्स वाई ये हमारा क्या हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट ओके okay? नेक्स्ट है विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस ओके देखो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो ऑक्सीमोर का है ऑक्सीमोरॉन क्या होता है ऑक्सीमोरोन हम उस चीज को बोलते हैं जब टू ऑपोजिट वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड हो लेबर मीन्स होता है स्ट्रगल बहुत टफ एंड ईज मीन्स होता है इजी क्लोजली प्लेस है दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन ओके नेक्स्ट इज इट साइलेंस साइलेंसी ये भी एग्जाम्पल है एलिटरेशन का बिकॉज एस एस ओके सेम लेटर बिगनिंग एंड सेकेंड ये है परसोनिफिकेशन वॉट परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन क्या होता है जब हम थिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखो किसी साइलेंस में क्या साइलेंस हो सकती है साइलेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग ओके बट हमने इस साइलेंस को अपने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है दैट्स वाई ये पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जैम्पल है जब हम थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ परसोनिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं रेस्टलेस रोड क्या बोलते हैं या सॉरी रेस्टलेस नाइट हम बोलते हैं ना बेचैन रातें आपने सॉन्ग में भी सुना होगा तो नाइट रेस्टलेस नहीं होती है इट इज ह्यूमन ओके वो ह्यूमन होते वो ह्यूमन होते हैं जो रेस्टलेस होते हैं नाइट नहीं रेस्टलेस होती है समटाइम्स okay, हम some कहते हैं दैट ट्री इज आर क्राइंग बोलते हैं नहीं दैट नेचर इज क्राइंग ये नेचर नहीं रोती फाइन ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है एंड अगर हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू किसी भी थिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन आई होप पोट्रिक डिवाइस भी आपको इस वीडियो का इस स्टोरी का इस पोएम का समझ में आया होगा सो so, अगर वीडियो अच्छी लगती है देन आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू लाइक दिस वीडियो सो इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन डू मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अला